नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि सरकार एक तरफ अपने अफसरों की तारीफें करती नहीं थकती तो दूसरी तरफ उनके सरकारी अफसर उनके मंसूबों पर पानी फेरते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा अपनी दबंगई के लिए सुर्खियों में रहती है और कुछ ऐसा कर जाती है कि पूरे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है लखनऊ से, जहां पुलिस ने दिल दहला देने वाले कारनामे को अंजाम दिया है। दरअसल ये पूरा मामला हसनगंज थाने का है, जहां एक पीड़ित के बेटे ने हसनगंज थाना पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो की तस्दीक पीड़ित के बेटे अंकित रस्तोगी ने की है। पीड़ित के बेटे अंकित रस्तोगी का कहना है कि यह वीडियो 10 फरवरी का है और हसनगंज पुलिस द्वारा उसके पिता को थर्ड डिग्री दी गई है। वहीं अंकित रस्तोगी का यह भी कहना है कि डॉक्टर से विवाद के चलते 3 साल पहले 2018 में भी उसके पिता के पास से असलहा दिखाकर झूठे मुकदमे में फंसाकर पुलिस ने जेल भेज दिया था। वहीं पीड़ित के अनुसार आईटी चौराहे के पास रहने वाले किसी डॉक्टर के यहाँ पीड़ित गाड़ी चलाता था, जिसके वेतन को लेकर पूरा विवाद हुआ है। कल देर शाम उसी बात को लेकर जब ये हसनगंज थाने पहुंचा तो उसकी पिटाई कर दी गई और वीडियो 10 फरवरी का ही है। पीड़ित के बेटे अंकित रस्तोगी का कहना है कि मेरे पिता के साथ मारपीट भी हुई है और हसनगंज थाने ले जाकर उन्हें मारा पीटा गया है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये वीडियो 2 साल पुराना है। अब देखना होगा कि पीड़ित को इंसाफ कब मिलेगा या फिर से एक बार बेकसूर को सच बोलने की सजा मिलेगी। लखनऊ से जुबैर अहमद की रिपोर्ट। किस तारीख को आपके पिता से जो मारपीट करी गई है और क्या पूरा मामला है, कहाँ कौन से थाना क्षेत्र का है? ये थाना है हसनगंज और आज वही जो है 10 तारीख को 8:30 बजे मारा गया। किस लिए मारा गया, क्या वजह रही? वो उनका थोड़ा सा पैसा ऐसा बाकी था तो वही जो है अंकुर डॉक्टर जी से वो लेने गए थे, इसी चक्कर में उनको मारा गया पकड़ के थाने में। तो थाने में क्यों मारा गया उनको? तो डॉक्टर है तो डॉक्टर क्लिनिक पे क्यों? तो डॉक्टर ने उनको पुलिस वहाँ से बुलवा के उनको जो वो कराया गया था बंद। और क्या कुछ वजह रही है, कितनी चोट आई है पापा को, अभी कैसे? उनको चोट तो बहुत आई है। अभी कैसे है? अभी तो वो सो रेस्ट है। क्या नाम है आपका? ओम जी रस्तोगी। ओम जी, आप का एक वीडियो वायरल हुआ है मारपीट का जी, क्या है मामला? ये पुलिस वालों ने मुझे झूठे केस में तमंचे में माल खाने से निकाल के तमंचा हमको बेरहमी से उल्टा पलटा लटका के मुझे मारा, बेरहमी से लाखों घूसों से, और अंकुर सिंह से पैसा लेकर मुझे उल्टे झूठे केस में डाल दिया। मुझे घर से उठा के लेके गए थे नेकर और पनियानी में, और जब कल उनसे कहा कि पुलिस वालों ने लेके गए थे आपको 22/8/2018 को रात में 11:30 बजे। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ वो कल का बताया जा रहा है? कल का वीडियो, कल मैं थाने पे बुलवाया गया था मुझे कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन वो 300/25 की फाड़ देंगे, आराम से कुछ रहो तुम। उसके बाद मैं गया थाने पे मिलने के लिए, मुझे उल्टा करके लातन घूसन से डंडों से मुझे पीटा कस के और मेरे ऊपर पानी डाला। किसने बुलाया था फोन करके? एक पुलिस वाले ने मेरे नंबर पर फोन किया था, जो कि हमेशा उस थाने से नंबर जुड़ा हुआ है, वो 04 नंबर है मेरा लास्ट का, 98-39-87-73-04 पर कॉल कर के बुलाते थे। तो 3-4 बार मार चुके हैं। कल थाने पहुंचे तो आपके साथ क्या हुआ? मुझे घर गए थे थाने पर हम मिलने के लिए, हमने कहा साहब नमस्ते, कहीं नमस्ते कहीं बैठ जाओ, अभी आ रहे हैं हम 2 मिनट में लौट के आए, उठा के डंडा अंदर से लाए और उल्टा कहीं पकड़ो इसको साले को, ये बहुत ज़्यादा फोन CM हेल्पलाइन पर कंप्लेन करता रहता है, इसको उल्टा करके मारो ऊपर इसके झुलटे डंडे। दो पुलिस वाले मेरे ऊपर पैर पे लात रखी है, दो पीटी पे और डंडे मेरे चूतड़ों पे डंडे मारे कस कस के। किसी का नाम जानते हैं जिन लोग? दो, एक पुलिस वाला जो है गोरे सांवला कलर का है, दोरी दे का, दूसरा गोरे रंग का है, दोरी दे का वो भी है, दोरी दे के डंडे पुलिस वाले ने मुझे डंडा मारा। नाम जानते हैं किसी? नाम नहीं जानते उनका सर में। अच्छा, तो CM हेल्पलाइन पे आपने कितनी बार शिकायत किया? और 2019 से मैं करते चला रहा हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही छोटे से, और झूठी झूठी एप्लीकेशन बना के वहाँ से भेजते हैं, ना कोई जांच करने आता है ना कोई कुछ। कौन आपको फंसा रहा है दूसरे मामले में? दूसरे मामले में अंकुर सिंह और सुमित कुमार पृथ्वीराज, जो कह रहे हैं कि तुम अगर जो ये CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन करते रहोगे तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। मैं
ये कौन लोग हैं? ये सुमित कुमार थे, पृथ्वीराज थे। कौन लोग हैं ये? ये पुलिस वाले हैं दोनों। सर, हसनगंज में एक युवक ने पुलिस के ऊपर था डिग्री का आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला बता दीजिए। ये कल थाना हसनगंज का एक वीडियो प्रकाश में आया था, इसमें एक पत्रकार महोदय ने उसमें एक न्यूज चलाई थी कि ओमकार नाम के युवक को पुलिस लेकर के थाने पे आई और थर्ड डिग्री टॉर्चर देके उसको मारा पीटा गया और उसमें तीन लोग का नाम प्रकाश में लाया गया था, जिसमें बाद में हम लोगों ने जांच किया तो इस तरह की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं हुई है और जिन तीन पुलिसकर्मियों का नाम उसमें सामने आया है उसमें से एक 2018 में इस थाने से जा चुका है और दूसरा 2020 मार्च में यहाँ से जा चुका है। ये वीडियो जो बताया जा रहा है कि कल का है, शाम का लगभग 8-8:30 बजे के बीच का है, उस संबंध में ACP अलीगंज पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आएगी तो बाकी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा कि ये किन हालातों में ये वीडियो सामने आया है, जबकि हमारे सारे अधिकारी और इंस्पेक्टर सब लोग थाने में मौजूद थे कल की डेट में। इस तरह का कोई घटना संज्ञान में हम लोग के नहीं आई और हम लोग का ऑफिस जो है मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर है थाने से और हम लोग को कोई इस बारे में ना तो कंप्लेंट की गई ना किसी भी तरीके का इस तरह की बात संज्ञान में आई। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जांच कमिश्नर सर के द्वारा जो हमें आवंटित की गई थी तो इस पूरे प्रकरण में हमने ACP अलीगंज को कहा है कि वो पूरे प्रकरण की छानबीन करके हमको तथ्यों से अवगत कराएं, बाद में जब रिपोर्ट सामने आएगी तो हम लोग आपको खुलासा करेंगे इसका।